सो गाइस, तो सबसे पहले मैं आप सबको यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ गाइस। आप सब जो है यहाँ पे देखेंगे कि 2000 रुपए का अमाउंट यहाँ पे अप्रूवल मिला हुआ है, जिसमें से मैं यहाँ पे पूरा 2000 रुपए का अमाउंट जो है इस्तेमाल भी कर चुका हूं, जो कि आप सब बिल्कुल लाइव प्रूफ देखेंगे। और पेमेंट कितना करना है यहां पे आप सब देखेंगे, 2070 रुपए मुझे यहां पे पेमेंट्स करना है वन मंथ के लिए। ये अमाउंट मुझे यहां पे मिला हुआ है, 2000 का अमाउंट मिला हुआ है, 2000 को हम यहां पे यूज करते हैं, वन मंथ बाद जो है पेमेंट करते हैं, तो पूरा 2070 रुपए यहाँ पे पेमेंट करना होता है। तो अभी आप सब देखेंगे गाइस कि मेरा यहाँ पे रीपेमेंट का समय हो चुका है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि इस समय में मुझे यहाँ पे पेमेंट करना है, बिल जनरेट जो है मेरा हो चुका है। तो इस अमाउंट को कैसे आप सब जो है रीपेमेंट करेंगे, कैसे ले पाएंगे, कैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप सबको बताएंगे। तो अगर आप सबको भी पैसे की जरूरत है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं गाइस, यहां पे आप सबको हर हाल में 2000 आप सबको नहीं मिलेगा। अगर आप सबका सिविल स्कोर यहाँ पे सही होता है तो आप सबको पूरे 60,000 रुपए तक का अमाउंट यहाँ पे अप्रूवल दिया जाता है। तो मेरा सिविल स्कोर जिस हिसाब से है तो मुझे 2000 मिला है, आप सबका थोड़ा अच्छा खासा रहेगा तो यहाँ पे 10,000-20,000 भी मिल सकता है। तो मुझे यहाँ पे 2000 का लिमिट मिला हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप सबको इस अमाउंट को जो है रीपेमेंट करके दिखाता हूँ, उसके बाद इस अमाउंट को फिर से मैं अपने बैंक अकाउंट में लेकर दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आप सबको ये अमाउंट कैसे मिलेगा वो भी डिटेल बताएंगे। अगर आप सब मेरा यहाँ पे हिस्ट्री देखना चाहें तो यहाँ पे देखेंगे गाइस कि मैं इस एप्लीकेशन से जो है कितने बार अपने बैंक अकाउंट में पैसा को ट्रांसफर किया हूँ, यहाँ पे आप सब डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप सब देखते जाएंगे, मैंने हर मंथ जो है मैं इस अमाउंट को यहाँ से इस्तेमाल कर ही लेता हूँ, जो कि आप सब यहाँ पे पूरा डिटेल्स में देख पाएंगे। तो मैं अपना हिस्ट्री यहाँ पे आप सबको दिखा रहा हूँ गाइस, आप सब देख पाएंगे कि हर मंथ में यहाँ पे रीपेमेंट जो है, तो हर मंथ में यहाँ पे इस अमाउंट को यूज कर लेता हूँ। चलिए मैं आप सबको सबसे पहले इसका रीपेमेंट कर देता हूँ, समय हो चुका है। तो आप सब मान लीजिए कि इस अमाउंट को ले लेते हैं, समय हो जाता है, तो इसको रीपेमेंट कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान और इजी प्रोसेस बताते हैं गाइस आप सबको। यहाँ पे जब आप सबका बिल जनरेट हो जाता है तो यहाँ पे प्रोसीड टू पे का ऑप्शन आ जाएगा, जो भी अमाउंट पे करना होगा यहाँ पे दिखेगा। जैसे कि मेरा 2070 रुपए है, लास्ट पेमेंट डेट कब है यहाँ पे देखेंगे 7 अक्टूबर है, मतलब कि हर मंथ 7 तारीख को लास्ट डेट होता है, आप सबको भी यही डेट रहेगा। तो हम यहाँ पे इसको रीपेमेंट करना है तो क्या करेंगे गाइस, प्रोसीड टू पे है इस वाले पे क्लिक करेंगे, और करने के बाद जो है यहाँ पे देख लेंगे सारा डिटेल आप सबको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि टोटल अमाउंट 2000 रुपए लिए थे, कन्वेंशन फीस यहाँ पे लगे 70 रुपए, कुल जो यहाँ पे रीपेमेंट करना हुआ 2070 रुपए। तो हम इसको पेमेंट करेंगे तो नीचे आप सबको मिलेगा पे, जो भी अमाउंट रहेगा वो दिखेगा, और उसके बाद यहाँ पे सेटअप ऑटोमेटिक है, आप सब चाहे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक भी लगा सकते हैं, जो कि समय पूर्त ही आप सबके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं करेंगे, नीचे पे का ऑप्शन है इस वाले पे क्लिक करके हम यहाँ पे पेमेंट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी आप सबका बैंक अकाउंट से रहेगा डिटेल्स में यहाँ पे दिख जाएगा, तो जैसे कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट है वो भी आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसको ब्लर किया हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पे वाले पे क्लिक कर देंगे और जो भी पिन रहेगा यहाँ पे हम डालेंगे, तो यहाँ पे मेरा रीपेमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अब आप सब देखेंगे गाइस कि मेरा यहाँ पे रीपेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, ऊपर से मैसेज भी मेरा आ चुका है कि रीपेमेंट हो चुका है, सक्सेसफुल हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से आप सबको भी देखने को मिल जाएंगे। तो अब गाइस फिर से मैं आप सबको उसी पेज पे लेकर आता हूँ जहां पे मैं अभी आप सबको दिखाए थे, तो फिर से हम उस पेज पे आ चुके हैं। तो अब गाइस यहाँ पे आप सब देखेंगे कि 2000 का लिमिट मेरा जो है पूरा यहाँ पे अवेलेबल आप सबको दिखाएगा। तो अब आप सब यहाँ पे देखेंगे कि 2000 का लिमिट पूरा का पूरा यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि आप सब यहाँ पे देख पाएंगे। तो अब इस अमाउंट को आप सब अपने बैंक अकाउंट्स में कैसे लेंगे वो तरीका बताते हैं गाइस। तो अगर आप सब इस लिमिट को अपने बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप सब कैसे कर पाएंगे, चलिए वो तरीका मैं आप सबको बताता हूँ। तो इस लिमिट को अपने बैंक अकाउंट्स में लेने के लिए गाइस आप सबको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, स्कैन एंड पे का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से किसी क्यूआर कोड को जो है स्कैन कर लेंगे। तो मेरा यहाँ पे आप सब देखेंगे गाइस कि मैं हर मंथ इसी क्यूआर कोड पे जो है यहाँ से अपना पेमेंट को लेता हूँ, जो कि आप सब यहाँ पे देखेंगे सभी मंथ में मैं इसी क्यूआर कोड को स्कैन करके जो है अपना अकाउंट में अमाउंट को ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, जो भी अमाउंट रहेगा यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे 2000 लेंगे,
तो हम यहाँ पे 2000 का अमाउंट यहाँ पे डाल लेंगे और डालने के बाद यहाँ पे पे का ऑप्शन से इस वाले पे क्लिक करेंगे। करने के बाद जो है गाइस ऊपर से में ही आप सबको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन दिख जाएगा, नीचे पे है इस वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पेमेंट जो है मेरे बैंक अकाउंट्स में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो अब आप सब देखेंगे गाइस कि यहाँ पे पेमेंट जो है सक्सेस हो चुका है, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि मेरा पेमेंट जो है सक्सेस हो चुका है, ऊपर से मैसेज भी आ चुका है मेरे बैंक अकाउंट्स में अमाउंट जो है ट्रांसफर हो चुका है। तो अब आप सब पूछेंगे गाइस कि एप्लीकेशन कौन सा है, कैसे इसके अंदर लोन के लिए अप्लाई करना है, तो मैं आप सबको बता दूंगा कि इस एप्लीकेशन का नाम है पेटीएम। अगर आप सब प्ले स्टोर पर आते हैं और पेटीएम लिख करके आप सब सर्च करेंगे गाइस तो इस एप्लीकेशन का लोगो जो है फिलहाल कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, इसी एप्लीकेशन से आप सबको अप्लाई करना है। तो इसके अंदर जब आप सबको यहाँ पे पेटीएम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं, तो करने के बाद जब आप सब इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सबको एक ऑप्शन मिलता है लोन का, क्रेडिट कार्ड का। इसमें एक आप सबको ऑप्शन दिख रहा होगा पेटीएम पोस्टपेड लिखा हुआ है, इस वाले पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो है गाइज आप सबको सिर्फ पेन का डिटेल्स फिल करना होगा और उसके बाद जो भी लिमिट मिलेगा आप सबको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। बाकी रीपेमेंट कैसे करना है, अकाउंट में कैसे लेना है, दोनों तरीके मैं आप सबको बता दिया हूं। तो अगर आप सब मान लीजिए कि यहाँ पे अप्लाई करने में सक्षम नहीं है, नहीं समझ में आता है, तो मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप सब वह वीडियो देखना चाहे तो जाकर के आप सब वीडियो को देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी जब इसके अंदर फर्स्ट टाइम अप्लाई किए थे, इस अमाउंट को लिए थे, तो वीडियो बना चुके हैं। अगर आप सब वीडियो देखना चाहे तो जाकर के देख सकते हैं, वरना इसके अंदर जो है अप्लाई का बिल्कुल इजी प्रोसेस है। आप सब यहां पे इस अमाउंट को ले सकते हैं, 1 मंथ यूज करेंगे, 1 मंथ के बाद जो है इसका जब बिल जनरेट होगा तो आप सब यहां पे पेमेंट कर देंगे। तो मैं हर मंथ इस अमाउंट का यूज करता हूं, अभी भी मैं अपने बैंक अकाउंट में लेकर आप सबको दिखा दिया हूं। तो ये जो अमाउंट है अब कब रीपेमेंट करना है वो नेक्स्ट मंथ मुझे अब यहाँ पे रीपेमेंट करना होगा, अभी फिलहाल मैं इसके अंदर जो है रीपेमेंट कर दिया हूँ। तो इस प्रकार से आप सब इस लिमिट को ले सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, रीपेमेंट कर सकते हैं। सभी इन्फॉर्मेशन मैंने आप सबको बिल्कुल क्लियर में बता दिया हूँ, अगर आप सब लेना चाहे तो इस लिमिट को ले सकते हैं। तो ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।